12 साल से आदमी पूरे देश में झूठ पर झूठ बोलता आया। गोधरा दंगों पर माफी तो दूर, इसने तो ये भी नहीं माना कि दंगों के दौरान खून खराबा हुआ था। लेकिन मोदी के पाप की पोल उसी के एक गुंडे ने खोल दी। इसका नाम है बाबू बजरंगी। ये गोधरा कांड के सबसे बड़े दोषियों में से एक है। खुद अदालत इसे जिंदगी भर जेल में रहने की सजा सुना चुकी है, लेकिन एक स्टिंग ऑपरेशन में इसी हत्यारे ने अपने मालिक का सच पूरी दुनिया को बता दिया। पाटेकांड हुआ वो तो अयोध्या से, अयोध्या से दिल्ली विल्ली आ गए थे, जहाँ भी आगे आपको पता होगा। पाटेकांड जिन उस दिन शाम को या दूसरे दिन नरेंद्र भाई पाटी आए, बताइए। नरेंद्र भाई पाटी आके गए, पर वो फिर वो बनाव पे इसके लिए नहीं आ गए, उसके साथ में कमांडो कमांडो रहता है तो बनाव पे नहीं आए, पर पाटी आके उत्साह दे के चले गए। दूसरे दिन जो चालू हो जाएगा वापस, तो नरेंद्र भाई उसके लिए आए थे। वो पूरे अहमदाबाद में घूमे थे, जहाँ जहाँ मियाँ है वहाँ इसके लिए घूमे थे हिंदू में। हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़ाया, उन्होंने जज बदले और जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग की और नरेंद्र भाई ने हमको छुड़ाया, तो हमने छोड़ सकते थे। सुन लिया आपने कि गोधरा का असली हत्यारा कौन है। अब फैसला आपका है कि मोदी की असली जगह क्या होगी, दिल्ली की कुर्सी या फांसी का फंदा।